अगर आपको बार की स्किल टेस्ट पे ये इंडक्शन मोटर मिलती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर कैसे पहचानी मैंने, मैंने इसको देखा, ये पहली चीज क्या देखी मैंने, हाई वोल्ट, ठीक है, उसके बाद क्या देखा, इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कहीं पे भी ब्रश के लिए, कार्बन ब्रश के लिए कोई जगह नहीं दी है, तो यानी कि हमारी कैसी है, इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मुझे ये चलानी है तो इसके लिए भी मुझे क्या है, टर्मिनल फाइंड आउट होने चाहिए, यू कौन सा, वी कौन सा, डब्ल्यू कौन सा। अब वो ये इंडक्शन मोटर है, तीन वाइंडिंग होगी, तीन वाइंडिंग के कितने सिरे होंगे, दो सिरे होंगे, एक वाइंडिंग के दो सिरे, तो छह, तीन के कितने होंगे, छह सिरे। तो अब मुझे वही आर वाई भी फाइंड आउट करना है, मैं करूंगा सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से। ये मैंने सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया, ठीक है, इसकी सहायता से मैं क्या करूंगा, इस मोटर के टर्मिनल को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये देखिए मेरा सीरीज टेस्टिंग लैंप है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पे लगाया एक टर्मिनल पर, दिखाई दे रहा है आपको क्या हुआ, जैसे आपने इन दोनों को टच किया तो इसमें लाइट जलने लगी, यानी कि मैंने अगर माना ये मेरी यू वाली वाइंडिंग थी तो इसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दूसरी वाइंडिंग जो है उसका एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है, फिर इसी तरीके से तीसरे वाली को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या हुआ, तीनों वाइंडिंग मिल चुकी है, अब हम इन तीनों को शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके यहाँ पे आर वाई भी सप्लाई हम दे सकते हैं साथ में। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, किसी भी इंडक्शन मोटर को आप चेक करके तभी चलाते हो, क्योंकि जब तक आपको टर्मिनल फाइंड नहीं होंगे मोटर की वाइंडिंग के, तब तक आप आर वाई भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आजकल स्किल टेस्ट में ये भी पूछा जा रहा है कि किसी मोटर के टर्मिनल फाइंड आउट करना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं, और किस तरीके से मोटर को रन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।